अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम माहौल में सबक नंबर 8 देखेंगे जिसका नाम है रिया पहुंची मामू के घर, है ना। इसके पहले हमने सबक नंबर 6 में भी रिया के बारे में पढ़ा था, सबक नंबर 7 में भी रिया के बारे में पढ़ा, अब सबक नंबर 8 में भी हम रिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रही है, ट्रेन से मुसाफरी कर रही है, ठीक है। चलिए आज हम देखते हैं, 29 मई की रात है और कितने बज रहे हैं, 10:25 हो रहे हैं। अब देखते हैं हम क्या कर रही है रिया। ट्रेन के तवील सफ़र के बाद हम वापी पहुँचे। मामू का घर स्टेशन से करीब था इसलिए मामू हमें स्टेशन पर लेने आए। मामू के हमरा सुरेल और आर्नो भी थे, ये हमारे मामू के लड़के हैं। मुझे और हिमांश को देख कर वो बहुत खुश हुए, हम एक दूसरे से बगल गेर होए, ठीक है। एक दूसरे से उन्होंने मेल मिलाप किया, वो उनके मामू के घर फाइनली पहुंच ही गए वापी के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हम स्टेशन से 2 रिक्शा में बैठकर मामू के घर पहुंचे। कितने रिक्शा में, 2 रिक्शा में बैठकर। मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं सो गई। कुछ देर के बाद अम्मी ने मुझे जगा दिया। अम्मी अब्बू नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो गए थे, मैं और हिमांश भी नहाकर तैयार हो गए। बाद में हम सब ने मिलकर खाना खाया। मामू ने कहा आप सब कुछ देर आराम कर ले, बाद में हम दमन घूमने जाएंगे, ठीक है। वापी स्टेशन के ऊपर वो लास्ट में पहुंच ही गए और फिर वहाँ से उन्होंने रिक्शा किया और उसके बाद वो घर गए, उन्होंने थोड़ा आराम किया और कुछ नाश्ता वगैरह किया, ठीक है। उसके बाद उसके मामू ने क्या कहा कि हम दमन घूमने जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला पेज। हम दमन जाने के लिए तैयार हो गए। मामू के घर वाले भी हमारे साथ आने वाले थे। हम रिक्शा में बैठकर स्टेशन पहुँचे, वहाँ से हम बस में बैठकर दमन जमपुर बीच पर गए, ठीक है। बहुत ही फेमस बीच है जम्बोर बीच, जो दमन के अंदर है, वो वहाँ पर गए। ये देखिए ये रहा बीच, है ना, समुद्र का किनारा है। वहाँ बच्चे सब अपने अपने मज़े ले रहे, खेल रहे, है ना, और बहुत ही इंजॉय कर रहे। बीच पर काफ़ी भीड़ थी, दरिया किनारे लोग मौज मस्ती करने आए थे। कुछ लोग कश्ती में सवार होकर दरिया की सैर को निकले, कोई घोड़े पर तो कोई ऊँट पर सवारी का लुत्फ उठा रहा था। छोटे छोटे बच्चे दरिया किनारे रेत के घरौंदे बना रहे थे, है ना। ये देखो ये सब बच्चे छोटे छोटे घर बना रहे, ये सब देख कर मुझे तो बहुत मज़ा आया। हिमांक, सुरेल और आर्नो भी रेत में बैठ कर रोंदे बनाने लगे, हमें रेत में खेलने से बड़ा लुत्फ हुआ। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इस दौरान मामू कश्ती की टिकट लेकर आए, हम कश्ती में बैठकर समुद्र का सफ़र करने लगे। ये देखिए कश्ती, बहुत ही मज़ा आती है ना कश्ती का सफ़र करने में। पहले तो मुझे कश्ती में बैठने से डर लगता था, मैं तो अम्मी के पास बैठ गई। समुद्र का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा। इसके बाद हमने घुड़सवारी और ऊँट सवारी भी की, फिर हमने किनारे पर बैठकर चाय नाश्ता किया। इसके बाद आगे देखते हम। अब शाम ढलने लगी थी, ये रहा शाम का मंजर, है ना। ऐसा लगता था जैसे सूरज समुद्र के पानी में डूब रहा है, आप लोग ने भी देखा होगा ना सूरज को डूबते हुए, ऐसा लगता है वो समुद्र के पानी के अंदर ही डूब रहा है। सब लोग तो गए हैं बीच पे, है ना, हमारे यहाँ सूरत में भी बहुत अच्छा बीच है, डुमस, है ना, सबने देखा है, सबने घोड़े सवारी भी की है, ऊँट की सवारी भी की होंगी। चलिए हम आगे देखते। आसमान रंग बिरंगी नज़र आ रहा था, हमने समुद्र के किनारे कुछ तस्वीरें खींची और वीडियो भी तैयार की। अंधेरा हो चुका था, हम मामू के घर वापस लौट आए। मेरा ये लंबा सफ़र दिलचस्प और यादगार बन गया। रिया को बहुत ही मज़ा आया और उसका ये सफ़र बहुत ही दिलचस्प और यादगार बन गया। अब हम कुछ सवाल जवाब देखेंगे यहाँ पे, जो आपको ही लिखने हैं खुद को, ठीक है। मामू के घर जाने के लिए रिया के ख़ानदान वालों को क्यों 2 रिक्शा करनी पड़ी, सोचो और लिखो क्यों उन्हें 2 रिक्शा करनी पड़ी होंगी, क्योंकि अफराद ज़्यादा होंगे इसलिए, है ना, उसका जवाब आपको यहाँ लिखना है। आप कभी समुद्र की सैर करने गए हो, कौन कौन सी जगह, आप लोग तो गए होंगे समुद्र की सैर करने के लिए, कौन कौन सी जगह गए उसके नाम यहाँ लिखने हैं, ठीक है। समुद्र किनारे रिया ने किस पर सवारी की, रिया ने घोड़े सवारी की, ऊँट सवारी की, ठीक है, वो आपको यहाँ लिखना है। रिया की ट्रेन को गांधीधाम से वापी पहुँचने में कितने घंटे लगे,
वो आपको बताना कितने घंटे लगे होंगे उसको रिया को गांधीधाम से वापी पहुँचने के लिए। ठीक है, तारीख भी देखना है और कितने बज रहे हैं वो भी देखना है, फिर दोनों को कैलकुलेट करके उसका जवाब लिखना है आपको। चलिए अब आगे देखते हैं, किन किन सवारियों में सफ़र करने पर टिकट खरीदना पड़ता है उनके नाम बताओ। हम किन किन चीज़ों की सवारी करेंगे तो हमें टिकट लेना पड़ता है उसके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। कई बार कुछ जगहों में दाखिले के लिए टिकट लेना ज़रूरी होता है, तुम ऐसी जगह के मुताबिक सोच कर लिखो। कई बार होता है ना, जैसे हम गार्डन में जाते हैं या कोई झूले में बैठना होता है ना, या किसी की सवारी करनी हो, तो बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ हमें पहले अंदर घुसने के लिए टिकट लेना पड़ता है ना। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं नवसारी बाज़ार में जो गोपी तालाब है, हमको पहले अंदर जाने के लिए उसका टिकट लेना पड़ता है, तो सब नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं उसके बाद नीचे। देखिए यहाँ पर आपको दिए गए ट्रेन के टिकट की तस्वीर दिख रही है, नीचे देख रहे होंगे सब लोग, ट्रेन की तस्वीर दी गई है, ट्रेन के टिकट की। ठीक है, आपको क्या करना है उसके मुतालिक मालूमात ढूँढनी है और ऊपर लिखना है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ इसे। देखिए यहाँ पर ट्रेन नंबर देखना है आपको, ट्रेन नंबर कहाँ लिखा हुआ है, तो ये देखिए ये रहा गाड़ी नंबर, दिखा सबको कितना है गाड़ी नंबर, 9037। ठीक है, वो ये जो लिखा है ये आपको यहाँ पर लिखना है। सफ़र शुरू होने की तारीख, सफ़र शुरू होने की तारीख ये रही 24/12/2018। ठीक है, यहाँ लिखना है आपको डब्बा और टिकट नंबर, तो डब्बा जो है वो देखिए यहाँ पर आता है, ये जो कोच होता है ना इसे डब्बा कहते हैं, A1 जो है वो क्या है, डब्बा है A1। ठीक है, A1 डब्बे का नाम है। ओके, और जो टिकट नंबर है वो ये रहा 21, 22, 23। ठीक है, ये टिकट नंबर है, तो डब्बे में आप लिखेंगे A1 और फिर टिकट में लिखेंगे 21, 22, 23। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया हूँ, आपको बहुत ही इजी पड़ेगा ये। ये देखिए है ना, ट्रेन नंबर क्या है 9037, तारीख 24/8, डब्बा A1, टिकट नंबर 21, 22, 23 है। ठीक है, अब हम देखते हैं किराया कितना है, तो किराया देखिए ये रहा साइड के ऊपर दिख रहा है ना, किराया कितना हुआ 2578 रुपये फास्ट ला किलोमीटर, तो यहाँ पर देखिए किलोमीटर लिखा है KM है ना, इसको बोला जाता है किलोमीटर। ठीक है, तो किलोमीटर कितना है 643, 6 43। कितने अफराद ने सफ़र किया है, तो यहाँ पर देखिए तीनों टिकट गिन लो आप, 1, 2, 3 है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 एडल्ट है और 1 बच्चा है, तो 3, तो कितने अफराद ने सफ़र किया, 3 अफराद ने। ये टिकट कितने मर्द और कितनी औरतों ने, औरतों के लिए है, यहाँ देखो ये जो लाइन है यहाँ पर लिखा होता है मेल और फीमेल, मेल मतलब कि जो मर्द है वो, और फीमेल मतलब औरत, तो मेल कितने हैं 2 है, तो 2 मर्द और 1 औरत ने सफ़र किया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारे इस सबक के ऊपर आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आगे के सवाल जो आप खुद को करने हैं आपको, दीगर कौन सी मालूमात तुम टिकट से तलाश कर सकते हो। देखो तो आपको वहाँ पे कौन सी जगह पे ट्रेन जा रही है उसके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, और फिर कितने बच्चे हैं, कितने एडल्ट है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेशन के नाम लिखे हैं, नंबर लिखे हैं, फिर उसके बाद रिजर्वेशन लिखा है, वो सब मालूमात आपको टिकट के अंदर दी गई है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे, रेलवे का टाइम टेबल देखो, यहाँ पे नीचे रेलवे का टाइम टेबल दिया गया है, तफसील से हमें देखना है। इसके अलावा अलग अलग जो स्टेशन आते हैं वहाँ पर यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी ट्रेन कौन से वक्त पर कहाँ पहुँच रही है, कहाँ से निकल रही है, जैसे स्टेशन का नाम है भूज है, ओके, भूज पे 12 बजे, ओके, या 1 बजे वो 12 बजे वो पहुँचेंगी, 19:50 को वो निकलेंगी, और ज़रा भी वो रुकेंगी नहीं, फासला कुछ नहीं है, 1 दिन लगेगा अंजार पहुँचने में से 20:24, 20:24 मतलब
12 में आप 8 डालो तो 20 हो जाएंगे, तो 8:24। ओके, 20:26 से वो निकलेंगी, 2 मिनट रुकेंगी, 42 किलोमीटर उसका फासला रहेगा। आपको सबके फासले, स्टेशन के नाम, पहुँचने का वक्त, रवानगी का वक्त, कितने मिनट रुकेंगी, कितने किलोमीटर का फासला और कितने दिन लगेंगे, वो सब आपको दिया गया है। ठीक है, जो रिया की जो ट्रेन थी, ठीक है, कच्छ एक्सप्रेस देखा था ना हमने, हाँ, तो ट्रेन कहाँ कहाँ से निकल रही है और कहाँ पहुँच रही है, कितना टाइम लगा, कितने देर वो रुकी, सब अब यहाँ पे इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, इसे ध्यान से आपको देखना है। उसके बाद कुछ सवाल के जवाब है पीछे, वो आपको देने, जैसे जेल में दर्ज मकामात पर ट्रेन के पहुँचने का वक्त लिखो, जैसे गांधीधाम कब पहुँची, अहमदाबाद कब पहुँची और सूरत कब पहुँचती है ट्रेन, उसके टाइम आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं गांधीधाम, गांधीधाम में ट्रेन कब पहुँची, 20:55 पे पहुँची। ओके, अहमदाबाद कब पहुँची है, ये रहा अहमदाबाद, अहमदाबाद ट्रेन पहुँची है 2:35 पे। उसके बाद सूरत, सूरत कब पहुँचती है ट्रेन, सूरत पहुँचती है ट्रेन 7 बजे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये तीनों खाली जगह के अंदर अच्छे से। अब आपको कुछ सवाल के जवाब है जो खुद को ही करने हैं आपको। ठीक है, इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा अच्छे से। जदुल में दर्ज करदा इससे ऐसे स्टेशन के नाम पर दायरा बनाओ जो रिया की डायरी में लिखे हुए। रिया की डायरी में कौन कौन से स्टेशन के नाम आते हैं वो आपको लिखने हैं, है ना। जो वडोदरा आता है, सूरत आता है ना, अहमदाबाद आता है। ओके, ये सब स्टेशन के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं और कितने बजे वो भी आपको लिखना है। ट्रेन ने भूज से गांधीधाम पहुँचने तक कितने किलोमीटर का फासला तय किया। ठीक है, भूज से गांधीधाम पहुँचने में कितने किलोमीटर का उसको फासला लगा वो लिखना है आपको। सफ़र के किस दिन ट्रेन वापी पहुँची। ठीक है, ये सब सवाल के जवाब ट्रेन की टिकट में और जो पीछे जो टाइम टेबल है उसके अंदर दिए गए। ठीक है, फियोना ट्रेन से उतरी उसके बाद रिया को वापी पहुँचने में कितना वक्त लगा। फियोना और रिया दोनों ने साथ मिलकर कितने किलोमीटर सफ़र तय किया। रिया ने रेल के ज़रिए कितने किलोमीटर सफ़र तय किया, ये सब आपको उसमें से ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, क्या तुमको डायरी लिखना पसंद है, क्या तुम लिखना पसंद करोगे डायरी। हाँ, आपको सभी पसंद करेंगे, है ना, डायरी लिखना तो। ठीक है, और ये जो सवाल जो अभी मैं आपको करवा भी दूंगा अगली वीडियो के अंदर, आपको क्या करना है, जो मैंने आज समझाया वो जो लिखने का बोला हो अच्छी तरह से आपको आपकी किताब के अंदर लिख लेना है। ठीक है।